कई सारे न्यूज़पेपर्स में ऐसा है कि अराउंड 75% ऑफ द रेवेन्यू विच दे गेट इज़ फ्रॉम गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग. और आप देखेंगे कि कई न्यूज़पेपर्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अराउंड 15 से 16 रुपये है और वो मार्केट में बिकता है 1 से 4 रुपये के बीच में. तो ये जो वाइड गैप है विच इज़ ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर को अगर सर्वाइव करना है दे हैव टू रिलाई ऑन एडवर्टाइजिंग इज कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट इन अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स. आई एम नॉट सेइंग ऑल बट इन अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स दैट इज हैपनिंग. सो इससे और इसमें हमने कई सारी जगहों पे देखा है कि बिहार के अंदर जैसे एक न्यूज़पेपर है उर्दू न्यूज़पेपर है पिंडार करके, उसके ऊपर प्रेशर था सरकार की तरफ से. राजस्थान पत्रिका के अंदर 2015 के अंदर उनका गवर्नमेंट से एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जो शेयर था गवर्नमेंट के उस पर वो अराउंड 34% था और 2016 में वो 1.26% हो गया. सो इतना फॉल इन रेवेन्यू व्हेन इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ योर ओवरऑल इनकम जो है प्रॉब्लमैटिक है. नमस्कार. एक देश का लोकतंत्र तभी मजबूत रहता है जब उसके नागरिकों को सवाल पूछने की आजादी होती है. एक देश का लोकतंत्र तब तक कमजोर है जब तक उसके चौथे स्तंभ यानी प्रेस को सत्ता से सवाल पूछने को लेकर किसी तरह का कोई अंकुश, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है. इस बात में दो राय नहीं है कि सत्ता में बैठे लोग अक्सर उनसे सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर कई तरीकों से दबाव बनाते हैं. वो उनके मीडिया संस्थानों पर दबाव बनाते हैं कि उन्हें नौकरी से निकाला जाए और साथ ही वो कहीं ना कहीं अखबारों, टेलीविजन चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की कमजोर नब्स पर भी वार करते हैं. और जब हम कमजोर नब्स की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं उनकी कमाई पर, उनके राजस्व पर, उनके एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू पर. कोबरा पोस्ट में अपनी इस पहली पेशकश में मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं स्कॉलर प्रतीक सिब्बल की यह पड़ताल, जिससे साबित होता है कि किस तरह से सरकारें जो हैं वो अखबारों के एडवर्टाइजमेंट मॉडल्स पर हमला कर रहे हैं और जिसके चलते कहीं ना कहीं सच पूछने की हिम्मत अखबारों में, टेलीविजन चैनल्स में कम होती जा रही है. मगर उससे पहले आइए निगाह डालते हैं कुछ तथ्यों पर जो कि बुनियाद है हमारी इस पड़ताल की. तथ्य नंबर एक, क्या आप जानते हैं कि ऐसे कई अखबार हैं जिनका 75% रेवेन्यू यानी कि 75% राजस्व जो है वो सरकारी विज्ञापनों से आता है. तथ्य नंबर दो, क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में अखबारों में, न्यूज चैनल्स में और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में विज्ञापनों में, खासतौर पर सरकारी विज्ञापनों में जबरदस्त उछाल आया है. तथ्य नंबर तीन, अखबारों का मालिक मायने रखता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि अगर अखबार का मालिक सत्ता के करीब है या सत्ता की लाइन या सत्ता की सियासत से इत्तेफाक रखता है तो उसे विज्ञापन छप्पर फाड़ के दिए जाते हैं और जो मालिक सत्ता से तीखे सवाल करता है उसे सरकारी विज्ञापन नहीं दिए जाते हैं. तथ्य नंबर चार, अलग अलग बारों में सरकारी विज्ञापनों की मौजूदगी अलग अलग है, यानी कि मात्रा जो है वो अलग अलग है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं सरकारी विज्ञापनों के जरिए जो कि मीडिया का एक अहम रेवेन्यू मॉडल है दबाव बना रही है सरकार. जो लोग उसके हक में बात कर रहे हैं उन्हें तो सरकारी विज्ञापन दिए जा रहे हैं मगर जो लोग उनके हक में बात नहीं कर रहे हैं उन्हें विज्ञापन नहीं दिए जा रहे हैं. इसके बाद एक और अहम तथ्य और वो तथ्य ये कि आरएसएस की जो मुख्य पत्र है यानी कि ऑर्गेनाइजर और साथ साथ पांचजंत है, इन दोनों के ही रेवेन्यू में ये कहा जाए इन दोनों में जो सरकारी विज्ञापन आते हैं उनमें करीब 400 से 500% की बढ़ोतरी हुई है और दूसरी तरफ जो उर्दू अखबार हैं उनमें 50% उर्दू अखबार ऐसे हैं जिनमें सरकारी विज्ञापनों की करीब 50% की कमी आई है. तो हमारा सवाल ये कि क्या ये महज एक इत्तेफाक है और ऐसे में क्या यह दावा किया जा सकता है कि सरकारें विज्ञापन का चाबुक का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि मीडिया घरानों पर दबाव बनाया जाए. इसके लिए कहीं ना कहीं हमें इस फिगर पर गौर करना होगा. जी हाँ, अगर आप इस फिगर पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से पिछले कुछ सालों में, कहा जाए पिछले 10 सालों में, विज्ञापनों में जबरदस्त उछाल आया है तमाम अखबारों में, न्यूज चैनल्स में और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में.
और इन विज्ञापनों में न सिर्फ कॉर्पोरेट के विज्ञापन हैं, बल्कि सरकारी विज्ञापन भी शामिल हैं। तो ये पूछना बहुत लाजमी है कि जब इस कदर विज्ञापनों में बढ़ोतरी हुई है, तो क्या ये मीडिया संस्थान, क्या ये अखबार कॉर्पोरेट घरानों और सरकारों के गुलाम तो नहीं है? क्योंकि देखिए, आपको समझना होगा कि जब आपके अखबारों में कॉर्पोरेट घरानों के विज्ञापन होंगे, तो ऐसे में आप इन औद्योगिक घरानों की कारस्थानियों पर कैसे सवाल करेंगे? जब आपके अखबारों में सरकारी विज्ञापन की भरमार होगी, तो आप सत्ता से सीधे सवाल कैसे करेंगे? मगर सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह कि लगातार उन अखबारों में वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, जिनका अधिकतर राजस्व, अधिकतर जो कमाई है, वो सरकारी विज्ञापनों पर आधारित है। हम आपके सामने दो फिगर्स रख रहे हैं। पहले फिगर पर अगर आप गौर करें, तो ऐसे अखबारों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिनका 75% जो रेवेन्यू है वो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर करता है। अब आप इस दूसरे फिगर पर गौर कीजिए। ये दूसरा फिगर ये साबित करता है कि कम से कम 50-75% इन अखबारों का जो राजस्व है वो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर करता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता से सवाल क्या ये अखबार खाक करेंगे जब आपका पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू जो है वो आधारित है सरकारी विज्ञापनों पर। देखिए, आपको इस बात पर गौर करना होगा कि सरकारें तो दबाव बनाती हैं, और ये दबाव कई स्तरों पर होता है। पहला, वो मीडिया घरानों पर दबाव बनाती हैं कि किसी खास पत्रकार को आप नौकरी से निकालिए या इन पर अंकुश डालिए, और दूसरी तरफ जैसे कि हमने आपको बताया कि बाकायदा एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज रोक दिए जाते हैं, तो ऐसे में उन पर दबाव बढ़ जाता है। और मैं आपके सामने कुछ मिसालें पेश करना चाहता हूं। हिंदुस्तान टाइम्स के जो संपादक थे बॉबी घोष, उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि उन्होंने एक सीरीज जो है वो शुरू की थी हिंदुस्तान टाइम्स में। और वो सीरीज क्या थी? वो सीरीज थी देश के अंदर जो हेट क्राइम्स चल रहे हैं, मसलन मॉब लिंचिंग और धर्म के आधार पर जिस तरह से लोगों को टारगेट किया जा रहा था, उन हेट क्राइम्स पर उन्होंने सीरीज शुरू की थी। इसके बाद हरीश खरे, जो कि ट्रिब्यून के संपादक थे, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था जब उन्होंने आधार के अंदर जिस तरह की घपलेबाजी चल रही थी उस पर एक कहानी की थी। पोरंजय गुहा ठाकुर था, उन्हें अपने पद से इसलिए इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि उन्होंने अडानी ग्रुप पर एक खबर की थी। उस वक्त वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में काम कर रहे थे। यानी कि पहले तो दबाव बनाइए अखबारों पर, मीडिया संस्थानों पर, कि वो उन जर्नलिस्ट पर लगाम लगाएं जो कि सरकार से तीखे सवाल पूछते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज पर किसी तरह से काबू पाया जाए। और क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से लगातार जो तमाम सरकारी योजनाएं, और कौन सी सरकारी योजनाएं, मसलन स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इंद्रधनुष, मुद्रा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें लगातार वृद्धि हुई है। और जो अहम आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं ये कि साल 2014 से 2016 के बीच 35% बढ़ोतरी आई है उस खर्च में जो कि इन विज्ञापनों पे होता है। साल 2014 में खर्च करीब 250 करोड़ था, अब ये बढ़कर 350 करोड़ हो गया है। और क्या आप जानते हैं कि जो सरकारी योजनाओं का सारा विज्ञापन उन अखबारों में जाता है या उन एजेंसीज में जाता है जो कि सत्ता की हां में हां मिलाते हैं, यानी कि उनकी सियासी विचारधारा से करीब है। मसलन जो आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि प्रतीक सिब्बल की इस जांच में सामने आई है, वो ये कि पांचजन्य और आरएसएस के जो अन्य माउथपीसेस है, मसलन ऑर्गेनाइजर, उनमें करीब 466% की वृद्धि आई है। यही नहीं, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जन्मभूमि जो कि मलयालम डेली है, जो कि बीजेपी के करीब है, उसमें भी 413% की वृद्धि आई थी। और एक और आरएसएस से जुड़ा माउथपीस है, उसमें भी करीब 1000% की वृद्धि आई थी, अगर हम एड शेयर की बात करें तो। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि एक तरफ जो विचारधारा के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के करीब है, उनकी तो बल्ले बल्ले है, मगर दूसरी तरफ अगर हम उर्दू अखबारों की बात करें तो वहां पर 50% से ज्यादा ऐसे उर्दू अखबार हैं जिनके एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज, खासकर जो एड्स, सरकारी एड्स आते हैं उनमें 50% की
गिरावट आई है। सियासत हिंदुस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट उर्दू अखबार है एबीसी के हिसाब से, और सियासत की जो 2006-07 की रेवेन्यू थी 17 लाख के करीब थी डीएवीपी के, डायरेक्टर विजुअल एडवर्टाइजिंग प्रमोशन की, और आज 2017 में 11 साल के बाद सियासत की रेवेन्यू 10 लाख है। अगर आप बेस पीरियड 2006 का लेंगे 17 लाख है, तो फिर इन्फ्लेशन और दूसरे चीज़ों को काउंट करते हुए आज हमारी इनकम, एनुअल इनकम 40 लाख के करीब होना चाहिए और वो 10 लाख पहुंच गई है। वैसा ही स्टेट गवर्नमेंट का 2 जून को हमारा तेलंगाना फॉर्मेशन डे था, और उस दिन 60 कोर्स के एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू रिलीज हुए 60 कोर्स के, जिसमें से 15 लाख उर्दू अखबारों को दिए और 15 करोड़ हिंदी अखबारों को, जबकि हिंदी का वजूद तेलंगाना में है ही नहीं, और एक दिन में 60 करोड़ रुपए खर्च होते हैं गवर्नमेंट की पब्लिसिटी के वास्ते। ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के वास्ते ये बहुत डेंजरस बात है। फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का जर्नलिज्म और न्यूज़पेपर, और उसको ही वीक किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उर्दू अखबारों के सामने इस वक्त अस्तित्व की चुनौती है, मगर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मामला सिर्फ अखबारों तक सीमित है तो आप गलत हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी, जहां पर काफी हद तक इस वक्त सरकारी दबाव नहीं है, जो सरकार से तीखे सवाल कर रहे हैं उन पर भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है। आइए अब सुनते हैं रिफत जावेद को, जो कि जनता के रिपोर्टर के संपादक हैं, और उनसे जानते हैं कि उन पर किस तरह के दबाव खासकर एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज को लेकर बनाया जाता है। देखिए, ये हमें पहले से पता था कि जिस सरकार की आप आलोचना करते हैं, उनकी कमियों को आप दिखाते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो उनके पास सबसे इजी हथकंडा ये होता है कि वो आपको ऐड नहीं देती हैं। लेकिन इसके बावजूद मैंने 2-3 सरकारों से कांटेक्ट किया जब उन्होंने डिजिटल पॉलिसीज अपने स्टेट्स में पास किए और सेंटर में भी, तो हमें उस वक्त ये कहा गया था कि नहीं, बिल्कुल ही ईमानदारी के साथ प्रोसेस होगा और आपको भी जैसे दूसरों को ऐड मिलेंगे आपको भी मिलेंगे, लेकिन हमें नहीं मिले ऐड। 4 साल की सच्चाई है कि हमें नहीं मिले। हमें ये कैसे पता चला कि हमें सिंगल आउट किया गया है, निशाना बनाया गया है? चूँकि जो दूसरी वेबसाइट्स थी, कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, जो सरकार को कटघरे में नहीं डालती हैं, और सरकार के लोग और जो रूलिंग पार्टी भाजपा के लोग उनसे बहुत खुश हैं, उनके आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं, उनकी वेबसाइट्स पे सरकार के ऐड आने लगे। और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों की मतलब जो संख्या थी, जो अमाउंट था, उस अमाउंट के उनको एड्स मिले। तो हमें यह पता चल गया कि उनके पीछे क्या मकसद था। यानी कि अगर आप सत्ता से देखिए सवाल करेंगे तो आप पर दबाव बनाया जाएगा, आप पर अंकुश बनाया जाएगा, मगर अगर ये जारी रहा जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया, तो लोकतंत्र अपने आप में बेमानी हो जाएगा। लिहाजा हमें जरूरत है एक समाधान की। वो समाधान कई मोर्चों पर सामने उभर कर आता है। मसलन, अगर आम जनता यानी कि आप ऐसे अखबारों, ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के प्रति कंट्रीब्यूट करें, अपना योगदान करें, उस तरह के मॉडल्स बाकायदा बने हुए। इसके अलावा कुछ और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो बाकायदा विज्ञापन देते हैं अपनी रिपोर्ट्स का, और ये कहते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट में इतना खर्चा आएगा, लिहाजा आप लोग अपना योगदान दें। ये भी एक तरीका हो सकता है, मगर आप भी जानते हैं कि तमाम जो तरीके हैं वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, अस्थायी है। जरूरी यहां पर यह है कि इस तरह की मीडिया की आजादी बनी रहे, ताकि उन पर सरकारी दबाव ना हो, औद्योगिक घरानों का दबाव ना हो, वो अपना काम ईमानदारी से करते रहें। इसके लिए एक मॉडल बनाया जाए, और इस मॉडल की गुहार या पहल आपकी तरफ से होनी होगी, यानी कि आम जनता की तरफ से।